आज हमारे दोस्त शकील बोले और उनके बोले कंपनी के तरफ से सत्तर फुट रोड पर यहाँ पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इनके उर्स के मौके पर 812वां उर्स मनाया जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों की गुलखुशी भी बोले कंपनी के तरफ से किया जा रहा है और उसी के साथ साथ तमाम मोहल्ले के लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है। तो मैं बोले कंपनी को एमआईएम पार्टी और स्टार सोशल ग्रुप और तमाम मेरे दोस्तों के तरफ से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे ही हमेशा जो है ऐसे कामों में बोले कंपनी सभी इसके साथ जितने जिम्मेदार जुड़े हैं सब ऐसे ही काम करते रहिए और मैं ये गवाही देता हूँ कि हम आपके साथ में और हमारे स्टेट पर जितने भी बैठे हैं सभी मेहमान लोग भी आपके साथ में हैं। आप ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करते रहिए, इंशाल्लाह सब लोग आपके साथ में। इतना बोलकर मैं मुबारकबाद देकर अपने अखबार खत्म करता हूँ। आज यहाँ पर बोले कंपनी शकील भाई बोले और हमारे जावेद भाई मित्र परिवार सभी उनके जिम्मेदार जो आज यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला ताला का उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ सभी जात पात को नहीं देखते हुए एक सोलापुर सिटी के अंदर एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। यहाँ सभी हिंदू मुसलमान भाई मिलकर हमेशा अच्छा काम करते हैं। मैं हमेशा भाई रंधे था चाहे हमारे पूरे जिम्मेदार रंधे मंच पर बैठे हुए सभी हजरात, आज बड़ा खुशी का दिन है के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इनके उर्स मुबारक पर सभी यहाँ पर मौजूद होकर हम मुबारकबाद दे रहे हैं, एक अमान का पैगाम दे रहे हैं सभी को। हमारा एक मकसद है, एक उद्देश्य है, सब आपस में भाईचारा बनकर अपने सब काम करेंगे। जात पात बाजू के रखू, पक्ष बाजू के रखू, एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंशाल्लाह अपन एक समाज के एक जिम्मेदार है तो अपन एक जिम्मेदारी निभाना अपना काम है। तो हम सभी को आह्वान करते हैं हर जाति धर्म के लोग को कि सभी जात पात ना देखते हुए हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ रहो, हम मिलकर एक अच्छा अमन का पैगाम देंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम एक सोलापुर के अंदर एक अच्छा संदेश देंगे, ऐसे जातिवाद लोगों को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। इंशाल्लाह हमारे बोलने का मौका दिया, हम यहाँ पर अपनी जगह लेते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज यहाँ पे गरीब नवाज इनके 812वें उर्स के मौके पर छीटे का इंतजाम किया गया। तो यहाँ जितने भी जैसा कि इस प्रोग्राम के जिन्होंने रखा वो हमारे भतीजे मोहसिन सालार और शकील बोड़े और जावेद पटेल और बाकी के तमाम उनके दोस्त कंपनी और मंच पे बैठे हुए दोस्तों बुजुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों, बस खुशी इस बात की होती है कि यहाँ पूरे हर धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर इस छीटे के प्रोग्राम को मना रहे हैं और तबरूक वाटप का प्रोग्राम है। मैं तमाम जो ये कार्यक्रम किए इनको जो है सोलापुर शहर के जो है सूरज सोशल ग्रुप के जानिब से दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हर साल पिछले साल भी यहाँ आया था मैं, उसके साल भी पहले आया था मैं, खतना का क्याम भी गए थे पिछले साल। तो अभी भी जो है बहुत से ऐसे कार्यक्रम है, बस हर वक्त आप ये सब कार्यक्रम करते रहो, यहाँ के सभी लोगों को लेकर हिंदू मुस्लिम और शहर के कुछ जिम्मेदार लोग को आपने बुलाया और हर वक्त ऐसे ही बुलाते जाओ, कुछ तो कुछ जो है एक नई आइडिया मिलेंगी, नया मार्गदर्शन होगा। बस यहाँ पर मुझे भी दो बात बोलने का मौका दिया। मैं
मोहसिन सालार, शकील बोड़े, जावेद पटेल और उनके पूरे ग्रुप को दिल के गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। सलाम अलैकुम। फैसल समीर भाई का बाबा भाई अड्डे का अड्डे का सत्कार जयर भाई कुरेशी का सत्कार फैसल भाई सालार करेंगे। सत्कार राणा भाई करेंगे। शकील भाई आजम भाई का देते है, आजम भाई का देते है, तौसीफ भाई का सत्कार जयेश भाई पटेल करेंगे। वो जब्बर अभी समीर भाई ताजमत का सत्कार शकील भाई करेंगे। तुम करो और किसका सुबह क्या उमेर भाई मेरे का सत्कार खरकुल के जब्बार भाई का सत्कार फैसल भाई करेंगे। मुन्ना भाई पटेल का सत्कार करेंगे। अंदर जाओ, अंदर जाओ, हम तो उमर मिरेजकर का सत्कार खुद वही करता है। हाँ ले रहा ले रहा। ओ माजी को ये द्रो क्या हेलो आलो